नमस्कार, जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्ध। मैं डॉक्टर मनोज दहिया आज 6 दिसंबर 2018 को भीमा कोरेगांव की उस शौर्य भूमि से आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ कुछ वीरों ने मानवता के लिए संघर्ष किया, कुर्बानी दी और विजय प्राप्त की। यह असत्य पर सत्य की जीत थी। आज इस भूमि को लेके, इस 1 जनवरी 1818 की घटना को लेके अनेक तरह के विवाद हो गए हैं। यहाँ सामान्य स्थिति नहीं है। इधर देखिए, 3 तंबू लगे हुए हैं, दिन रात यहाँ पुलिस रहती है। वो अगर आप देख पा रहे हो तो 3 छोटे छोटे चेयर हैं, एक टेबल है। वहाँ पे एंट्री होती है, कोई भी व्यक्ति आता है उसकी एंट्री होती है, उसका नाम लिखा जाता है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ताकि ये सनद रहे कि कौन यहाँ आया। तो इस तरह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी बात है। इधर भी एक तंबू लगाया गया है। जो मुख्य द्वार है उसके बाहर हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है, पुलिस की टिकट बना दी गई है। तो ये एक तरह से सुरक्षा के मद्देनज़र है। और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर दूसरी भाषा में आपको देखने को मिलेगा। बहुत पुराना है लेकिन बेहतरीन है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा, आकर्षक है, एकदम दिल को छू देने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस है और बहुत ये देखिए, यहाँ पे पूरा वो लिखा गया है कि कैसे कब ये इरेक्ट किया गया, यानी कब इसको लगाया गया है। नीचे एक कोई नई पट्टी लग रही, जिसमें रोल ऑफ ऑनर है, जिसमें ओपी रीडल 1965 एंड ओपी कैक्टस लिली 1971। ये देखिए, लोग आते हैं यहाँ और मोमबत्ती लगा के और अगरबत्ती लगा के या दीपक लगा के एक तरह से वो नमन करते हैं, इस शौर्य स्तंभ को नमन करते हैं। आज 6 दिसंबर 2018 को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमने सोचा कि यहाँ आए पुणे। अभी हम फ्लाइट से पहुँचे थे, पहले हम यहाँ नमन करने आए हैं, इसके बाद हम कातर जाएंगे। बहुत खुशी हुई यहाँ आके। आप भी अपने जीवन में एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देते हैं हमारे शरीर में। तो आइए महसूस कीजिए इस ऊर्जा, बहुत ही भरोसेवाली भूमि है। 6 दिसंबर 2018 को आपसे यहाँ से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।